तीर्थ नगरी के चरित्र पर काला धब्बा है मीरागंज का ये इलाका। कुंभ ने प्रयागराज को तीर्थ स्थान के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है, लेकिन कभी शिक्षा का केंद्र रहे इस शहर में एक ऐसी भी जगह है जो आस्था में डूबी इस तीर्थ नगरी के चरित्र पर एक कलंक की तरह है। यहाँ पुरानी इमारतों के बीच मीरागंज इलाका वेश्यावृत्ति के रूप में पूरे देश में बदनाम है। बताया जाता है कि यहाँ पर रेड लाइट एरिया तकरीबन 150 साल से चला आ रहा है। दलालों के चुंगल में फंसकर नर्क बन जाती हैं जिंदगियां। यहाँ आपको यह भी बता दें कि देश में प्रतिदिन 2000 लाख रुपए का देह व्यापार होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 68% लड़कियों को नौकरी दलाने का झांसा देकर पहले फंसाया जाता है और फिर धोखे से उन्हें इस काले दलदल में ढकेल दिया जाता है। वहीं 17% लड़कियां ऐसी भी हैं जिन्हें शादी के नाम पर फंसा कर लाया जाता है और हमेशा के लिए यहां छोड़ दिया जाता है। बड़ी बात यह भी है कि वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं के साथ स्वास्थ्य को लेकर हमेशा बहस चलती रहती है। वहीं HIV एड्स का सबसे बड़ा कारण वेश्यावृत्ति को माना गया है। वेश्यावृत्ति को लेकर भारत में क्या है कानून? भारतीय दंड संहिता के अनुसार सार्वजनिक स्थान के नजदीक वेश्यावृत्ति करने या कराने पर सेक्स वर्कर को 3 माह की सजा हो सकती है। वहीं अगर सेक्स वर्कर नाबालिग है या उसके ग्राहक कम उम्र के हैं तो 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान भी है। वहीं अगर कोई भी व्यक्ति वैश्याल्य चलाता है या वैश्याल्य को चलवाता है या इसमें किसी भी तरह से लिप्त पाया जाता है तो उसे 2 से 5 साल का कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना भी देना होता है।